Hello, how are you guys doing today? Welcome back to the channel. So today we're gonna watch Breakfast with Champions after a very long time. I think it's been years since I watched this. Oh, it's a YouTube original now. Ashish Nehra wala? Nahi, nahi tha. Happy hour. Bro, before he even begins, I gotta say, Shikhar Dhawan wali energy jo hai na, bro, that's BDE. This guy's energy is fucking out of this world. I love his energy. Bahut vibe iski bahut strong hai. That's a cute kid, man. Yo, this is how you respect kids, man. See that? Nobody pressured the kid to get off the table. मैंने नहीं देखा ऐसा बचपना हमें तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं होती थी व्हाट सारा निकल यहाँ से दोस्त बैठेंगे अब्बा के दैट्स रियली टाइट मैन दिस इज हाउ किड्स शुड बी ट्रीटेड No. He's like, how do I respond to that? I'll play for you. What is your dad's shirt number? What does he wear on his shirt? If you don't answer this, actually, no hovercraft. You should ask Shikhar if he remembers his number. Do you remember your number? No, he doesn't. What is it? 25. You should know. 25. Now you won't get a gift. And what is Rohit? He's like, batao to diya maine 25. नाखून चबाना बुरी बात शॉवर देता है या चेंज करता है या नहीं तो अब वो कल उसको घुमा रहा था सारी चीजें मैंने शिखर को करते हुए देखी है तो मैं सीख रहा हूँ इससे उस चीज में मैं तीन कदम आ गया कुछ साल पहले ही था ऐसा लग रहा था कि हम लोग एनसीए में खेल रहे हैं एक साथ अभी दोनों बच्चे के बाप आ गए I feel so lucky sometimes not getting married. चुचू क्या ब्रो मैं भूल गया हूँ मैं अमेरिका आके लोगों को ताली मारना भूल चुका हूँ देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ दैट हियर डोंट टच मी इज द बेसिक लॉ रूल ऑफ लॉ हियर जब किसी मुझे याद है मैं नया नया पाकिस्तान से आया था मैं अक्सर कुछ जोक मार के यू करता था एंड पीपल वुड लुक मी लाइक व्हाट आर यू डूइंग मैन हाई फाइव इज अ डिफरेंट थिंग व्हेन यू डू समथिंग जब हाई फाइव होता है लेकिन होता ना कि हमने कोई बचौदी की कोई जोक मारा आई फॉरगॉटन हाउ टू आई डोंट डू दैट एनीमोर बट मेरे अंदर से आदत ही चली गई वो इतने सालों में बिकॉज इट्स जस्ट नॉट द नॉर्मल थिंग हियर अभी मैंने इनको करते हुए देखा ऐसी ताली मारते हुए छोटी सी बात पे तो इट जस्ट रिमाइंड मी कि अब ऐसा करते ही नहीं यहाँ पे यार लोग इट लीव्स योर सिस्टम दैट्स सो वियर्ड देखा फिर ताली लाइक नोबडी डज दैट हियर एनीमोर इट्स सो वियर्ड Like, ताली मारना वियर्ड नहीं है जस्ट द फैक्ट कि ऐसा यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है इज वियर्ड फॉर मी कि क्यों मतलब दो दोस्त अगर बचौदी कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को ताली नहीं मार सकते क्या दैट्स लाइक व्हाई इज इट सो स्ट्रेंज फॉर पीपल इन यूएस अंडर 19 ये वर्ल्ड कप खेल के आया था शिखर तो शिखर का बड़ा नाम था उस टाइम पे क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज
होकर आया था वो बांग्लादेश में, और उसके बाद क्योंकि उस वक्त फिर दो साल बाद तू खेला ना वर्ल्ड कप। हाँ, उसके दो साल के बाद, बट जब हम मिले थे तब तक तू खेला नहीं था। नहीं नहीं, तभी मैं 17 साल का था। 17 नहीं 16, तू 18 साल का था ना। तो ये वर्ल्ड कप खेल के आया था, शिखर का काफी नाम था, हमने मैंने मैचेस भी देखे थे। और एक शिखर का नाम रहेगा हमेशा यार, वन ऑफ माय फेवरेट बैट्समैन। अभी भी तो अपना खुद का स्टाइल है, बट तभी तो हम यार जानते नहीं थे ना एक दूसरे को। अभी तो मैं जानता हूँ उसको। Do you remember the first time you opened together? A champion show. Yeah. Even practice match में नहीं करी थी ना तूने अपनी? हाँ, direct match में. Direct. सीधा ही. हाँ. I'm just kidding. मैं nervous था क्योंकि मैंने कभी open नहीं किया था. Open किया था इंडिया में एक दो बार, एक दो matches में किया था, but champions trophy में इतना बड़ा tournament है, पता नहीं suddenly MS ने मुझे बोला कि तू open कर यार first match. ठीक है चलो देखते। उसने बोल तो दिया और मैंने हाँ भी बोल दिया। फिर रूम में जाके मैं सोचता हूँ अरे मैंने क्या किया, ये ठीक किया कि नहीं किया। यार कितना मुश्किल पोजीशन है यार, बहुत मुश्किल पोजीशन। पार्टनर कौन है मेरा? मेरे को ऑपोजिशन में ऑपोजिशन कुछ पता नहीं था कि किसके साथ विरोधी के बारे में, क्योंकि मुझे लगा था मुझे एक आइडिया आ जाता है प्लेयर को कि प्लेयर मैच खेल रहा है या नहीं खेल रहा है। साइकोलॉजिकली आपको पता चल जाता है, फीलिंग। तो मैं प्रिपेयर कर रहा था कि मैं नहीं खेलने वाला हूँ तो मैं क्या करूँगा, पूरे दिन ट्रेनिंग करूंगा ये करूंगा। तो मुझे ऑपोजिशन कौन था मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था उसे, मैंने मुझे पता भी नहीं था कि हम साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहे। फिर रात को वो बॉम्ब गिरा कि भाई तो ओपन कर रहा है, तो नर्वसनेस था। मैंने उसको पूछा यार शिखर स्ट्राइक कौन लेता है, तू लेगा या मैं लूँ, मतलब क्या है? बोला नहीं नहीं मैं नहीं लेता हूँ, तू लेता ही नहीं उसका, मैं पहला मैच खेल रहा हूँ, मैं ओपनर भी नहीं हूँ, तू ले। तो इसने बोला नहीं 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 मैं कभी लेता नहीं हूँ मैं, तो चल ठीक है क्या हो जाए आउट होगा ना, चल ठीक है। हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा। हमने 100 का पार्टनरशिप बना दिया सीधा। नाइस। बनाया था 3 something 330 ऐसा कुछ बनाया था और जीत गए थे मैच। वो भी क्या टूर्नामेंट हुआ था, सारे प्रैक्टिस मैच से लेके इंडिया ने एक भी मैच नहीं हारा वो पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में। इवन प्रैक्टिस मैच दो खेले हम दोनों, ऑस्ट्रेलिया के साथ और श्रीलंका के, और सारे मैचेस जीते। वाह। पर बीच में क्या बात करते थे वो शिखर ही बताएगा। बीच में हम क्रिकेट की भी बातें करते हैं, पक्ष भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। मुझे तो कभी कीप द मूड हैप्पी, मूड अच्छा रखो, हैप्पी रखो। या इतना क्रिकेट खेले इसको भाई साहब को पता है कि कौन बॉलर क्या बॉल डाल रहा है, ये फिर भी आगे पूछेगा इसका ये आउट। अरे भाई डेल्स ने भाई कंफर्म कर रहा है वो चिन डाल दिया। उससे भाग रहे तो इशारा कॉल कॉल भी होता है, आंखों से इशारा भी हो जाता है। बट अब थोड़ा सा रिलेशनशिप में अब थोड़ा स्ट्रेस भी आ गया आजकल, क्योंकि DRS का कॉल अब तो पार्टनर को लेना पड़ता है। अच्छा कॉल बिकॉज यू जस्ट आस्क हिम राइट। अंपायर की पोजीशन में तो नहीं खड़े, बिल्कुल भी अंपायर वहां पर भी खड़े रहे के सही डिसीजन नहीं देते, तो हम वहां से कहां क्या करेंगे। तो मैं इसको सिर्फ जाके ये पूछा कि बैट लगाया गया पता मुझे, क्योंकि बैट का मुझे नहीं समझ में आएगा वहां से, बहुत मुश्किल होता है देखना, बहुत मुश्किल होता है जो बात है जो भी है। उसके हिसाब से मैं फिर उसको ये बताता हूँ कि पिच हुआ है कि नहीं लाइन में, फिर हाइट वाइट, फिर 15 सेकंड में आप क्या क्या डिस्कस कर लोगे यार, जो बात है सही हो या गलत हो डिसीजन, पर फिर बैक करना थोड़ी बहुत आप उसमें स्टडी कर सकते हो, आप अंदाजा लगा सकते हो कि इज इट दिस साइड और दिस साइड, 50% से ऊपर चांस है कि नहीं, ये तो आप यू नो यू कैन असर्टेन दैट। आप देख सकते हो कि भाई लाइन में पिच हुई थी कि नहीं हुई थी, आप देख सकते हो हिट लाइन में हुई थी कि नहीं हुई थी, बैट्समैन को पता होता है निक लगा है कि नहीं लगा है। सो दीज थिंग्स दीज फैक्टर्स डू काउंट, ऑल्दो इट इज वेरी टफ टू यू नो गेट ऑल दिस टुगेदर इन 15 seconds, और आपका दिमाग क्या चल रहा है उस वक्त, क्या सोच रहे हो आप, पैनिक में हो और टीम है क्राउड है, तो इट्स नॉट ईजी, आई एक्सेप्ट दैट, कैन ऑलवेज मेक अ गुड जजमेंट एजुकेटेड गैस, एंड या इट इज अ गैस एट द एंड ऑफ द डे, बट यू कैन मेक एन एजुकेटेड गैस विद सर्टेनिटी। व्हेन इट कम्स टू बॉलर्स को तो हर दफा यही लगता है कि उनकी विकेट थी, तो आई अग्री विद रोहित शर्मा 100%, और किसी भी बैट्समैन से किसी भी इवन एक्स बॉलर से पूछ लो तो वो यही बोलेगा कि बॉलर को तो ये लगता है कि आउट है आउट आउट है, तू बाहर में जा भाई, कीपर बताएगा या जो सिली पॉइंट पे या जो करीब खड़ा हुआ वो बताएगा कि क्या कहानी है। सो आई टोटली अग्री विद दैट।
चलो अच्छी बात तो होगी, अब बताओ व्हाट इज द मोस्ट अननोइंग हैबिट अबाउट ईच अदर? यस, जब भी टॉस वॉस हो गया, अभी जब बैटिंग को बाहर जाना है तभी ये टॉयलेट चला जाता है। यार शिखर चल यार नीचे जाना है, मैं मुझे कैसे है ना 5 मिनट पहले रेडी हो जाना पसंद है मुझे, जब प्लेयर्स लोग अंदर जा रहे ग्राउंड पे फील्ड पे, लेकिन इसको 5 मिनट पहले आती है बाथरूम चला जाता है, फिर मैं वेट करता हूँ। यार शिखर तेरे को हर मैच के पहले ऐसे कैसे होता है यार? सी ये तो पहला बॉल नहीं खेलता है, मैं खेलता हूँ Bro, उसको खड़ो के वेट करना पड़ता है, इसलिए वो बोलता है पहले मैं बाथरूम जाऊंगा, फिर ये तो भाई किस जितना देर तेरे को पेशाब करना है कर। इट इज फनी, दैट वी एक्चुअली लाफ अबाउट। इट इज गेटिंग इंटरेस्टिंग नाउ। मौजे देने पड़ते हैं, मौजे जायदाद ऐसे बनाई जाती है, ऐसे एक एक मोजा मांग के जायदाद बनाई जाती है। It's just funny, guys. So, I know you guys, India mein jo hai, wo z ko j ka pronunciation hota hai, and it's nothing wrong with it. It's just, you know, how you say it. It's not incorrect, but it's funny for somebody like me, Pakistani, jo bachpan se z hi bolta aa raha hai, hume sunke hansi aati hai thodi. You know, Urdu mein z kaha jata hai, and when you guys speak 70% of what you call Hindi is basically Urdu, to I don't know, अचानक से एलियन साउंड करता है थोड़ा जब जे का साउंड आता है, एंड इट्स नॉट लाइक कि इट्स दैट एलियन। आई मेरे पुराने जो ग्रैंडपा ग्रैंडमा लोग जो हैं वो सब इसी तरह से बोलते थे कि दे वर ऑल माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, सो आई एम यूज्ड टू इट, बट आई स्टिल मेक फन ऑफ इट, एट लीस्ट आई यूज टू मेक फन ऑफ माई फैमिली मेंबर्स, सो इज दिस फनी टू लिसन टू। इट्स नॉट इनकरेक्ट। सही है, तो टीममेट्स यही होते हैं ब्रो, टीममेट्स ही आपको हेल्प करते हैं जब आपके आपकी चीजें मिसिंग हो जाती हैं। बॉय से ट्राउजर ले लिया, एक बॉय से जूते ले लिए, दो बॉय से शर्ट ले ली, बड़ी टफ लाइफ होती है यार इन लोगों की, बहुत टफ लाइफ होती है इन लोगों की। बिल्कुल दिल को ठंडा करना, आई थिंक दिल का सुकून, सहनशीलता, शील मींस कामनेस, राइट। काफी अभी जो स्पॉन्सर शूट्स होते हैं यार आईपीएल में, उसमें एकदम शुद्ध हिंदी बुलवाया हम लोग, काफी मतलब शुद्ध हिंदी, मतलब यार जो भी बॉम्बे से है ना उनको, दे कांट स्पीक प्योर हिंदी, या
ये हाँ जी और क्या जी उर्दू है मेरे ख्याल से दोस्त। नॉर्थ साइड में थोड़ा ज्यादा, दो साल भी कोई बड़ा होगा ना तो हाजी बाजी बाजी, ये हमारे लिए थोड़ा सा नया है। दैट्स पंजाबी। बॉम्बे का तो चलना है। ये है सीन, ये है आई थिंक मुंबई है, मुंबई आमचे आमचे मुंबई, थोड़े से आई डोंट नो व्हाट्स द राइट वर्ड टू से, आई डोंट वांट टू ऑफेंड पीपल, बट थोड़े से छिछोरे टाइप के, थोड़े से क्या कहते हैं स्ट्रीट वाइज, यू नो थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं मुंबई के लोग। या इट्स जस्ट देयर वे ऑफ स्पीकिंग इज सुपर कैलस, दे जस्ट दे डोंट रियली केयर फॉर द शुगर कोटिंग द व्हाटएवर दे आर सेइंग, दे आर जस्ट सुपर डायरेक्ट विद देयर वर्ड्स। अच्छा बोर्ड नीचे लगा था नाव, फिफ्थ ग्रेड से आया, दैट्स गुड, डू द अनएक्सपेक्टेड, या दैट्स अ गुड रिप्लाई, डीसेंसी डीसेंसी विंस ऑलवेज। अभ्यास मैच कर रहे हैं, बेचारे ऑस्ट्रेलियंस जो है फंस गए, बेचारे तो नहीं है, खैर बड़े हरामी ऑस्ट्रेलियंस भी, बहुत हरामी होते हैं ऑस्ट्रेलियंस बॉयज। Bro, there is nobody like Shikhar, man. Look at this guy's energy, man. This guy is different. बड़ा हो जाएगा तो। No, Rishabh Pant is a good player, man. He's a good athlete, good cricketer. मैं यही बोलने वाला था कसम से अभी। शॉ अपने स्टाइल में, पर अगर कंपेयर करो तो वाकई में पृथ्वीराज इज लाइक रोहित, आई मीन नॉट लाइक हिम बट अगर रिप्लेस करना आपको। हर इंसान अलग है यार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुड गुड वन, गुड वन गौरव ब्रो। सोचने से प्रेशर ही बढ़ेगा, हैवीनेस बढ़ेगी, उसका क्या फायदा, कोई फायदा नहीं उससे सोचने का, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और हमारे लिए जब हम उधर एक बार पहुंच जाएंगे, पहला मैच खेलेंगे ना, इट वुड बी लाइक ओह ये वर्ल्ड कप का मैच है यार, ये करना है वो करना है, नहीं जस्ट अनदर क्रिकेट गेम, बिकॉज़ क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में ये काफी बात
होती रहती है कि यू हैव टू ट्रीट दिस एज अनदर गेम. इवन आईपीएल भी हम जब खेलते हैं अच्छे टीम के साथ खेलते हैं या जो टीम फॉर्म में नहीं है उनके साथ, आई एग्री मैन, हमारे लिए ऐसा नहीं होता है कि हमारे लिए मतलब किसी के लिए भी ऐसा नहीं होता है कि यार ये टीम अच्छा खेल रही है इसके साथ वो अच्छा खेल रहा है. द माइंडसेट ऑफ बीटिंग एन ऑपोजिशन डजंट चेंज. सो फॉर दैट यू जस्ट हैव टू कीप मेंटेनिंग और कीप डूइंग द थिंग्स दैट यू बीन डूइंग. हाँ बट बाहर से तो काफी सारी आवाजें आई क्योंकि उनकी चीज उससे बिकती है ना, उनकी चीज तो हाइप करने से बिकेगी. हम अगर अपने उसको हाइप को सीरियसली ले जाएंगे उस चीज को या हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो प्रेशर तो हमारे पे. वर्ल्ड कप है तो क्रिकेट का मैच ही ट्रॉफी है वो आउटसाइड उसको आप अगर ना देखो सिर्फ गेम को गेम की तरह देखो तो यस प्रेशर कैन गो अवे. अभी तो बहुत साल है इस बात को पर कभी सोचते हो कि अरे यार चलो ये एक दिन खत्म भी हो गई है, यू नो एज तो हो ही जाती है सबके साथ होना है. तो हैव यू गाइस स्टार्टेड थिंकिंग दैट ऑलरेडी, मतलब डस दैट क्रॉस योर माइंड? आई गो बाय द फ्लो. ओह दैट्स नॉट गुड रोहित. फ्लो या ओनली डेड फिश गो विद द फ्लो ब्रो. 4 साल 5 साल 6 साल 1 साल के बाद क्या होगा? पर इवन वो थॉट भी एक्सपेक्टेशन वाली बात होती है क्योंकि आपको नहीं पता कब तक चलनी है कब तक नहीं चलनी. क्या पता दो दिन हो दो साल हो या चार साल हो किसी को नहीं, तो उसमें एटलीस्ट ये नहीं है कि चुभेगी नहीं चीज. वो एक्सपेक्टेशन में आगे बैठे होगी चार साल और हो. बिकॉज व्हेन यू थिंक दैट यू फॉरगेट टू एंजॉय व्हाट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड इतने सालों में सीखा है मैंने कि यार जो अभी का जो मोमेंट है उसको एंजॉय करो. जैसे ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में हम बैठे हैं तो एंजॉय बैठे हैं लेट्स शो. वो ऐड आती ना जब तक बल्ला चल रहा तब तक ठाट है, जब बल्ला बंद वीरू का तो फिर कमेंट्री शुरू. टैलेंट पूरे टैलेंट तो ऑलराउंड है शिकी में. मैं तो देखना चाहता हूँ जड्जी को कमेंट्री करते हुए यार. हिम भी वेरी गुड मेरा वो है सेंस ऑफ ह्यूमर स्ट्रांग. I can speak English very well. जो कंट्रोल भी कर रहा है. मैंने कहा वो नहीं मैं तो कंट्रोल कर रही हूं. ये भाई शिखर विल बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर. भाई ये तो हरे घर की सेम कहानी है. जो बात है रजामंदी के साथ ही होता है कि भाई क्या है क्या नहीं. इवन अगर मेरे केस में भी है, मैंने आयशा को जैसे बात हो रही थी मैंने कहा था भाई ऋतिका आयशा से बात करी लेगी उसके बारे में कि भाई शौक है. तो जब वहाँ दोनों रेडी है तो हम रेडी है. फिर हम कौन होते हैं बोलने वाले? बड़ी सरकारों से आ गया हुक्म तो फिर चलो. शिखर का बोलने का स्टाइल बहुत पाकिस्तानी स्टाइल है वैसे, बहुत उर्दू स्टाइल में बोलता है ये बातें. He speaks more Urdu than anybody else. And he was telling me, remember I told you about the show? And I said, no, you didn't. मैंने भी राज से बोला, मैंने वो यार अच्छा वो शो भी है अभी. तो कह रही मुझे तो नहीं पता. मैंने ऋतिका ने नहीं बताया. तो मैं अगले फंस गए. कमाल है. So basically it is decided that the two of you, while trying to be Dhurandhar and dudes and everything, you both are controlled by your wives. Not two of you also, man. हाँ नन्हे तो आप ऐसे बन रहे हैं. Good one. I agree with that too. Of course he does, man. He's a good guy. Gaurav Kapoor is a nice guy. Of course he's gonna respect and listen to his wife. बहुत आला कितना रावी यार ये that's a good joke. That's a funter joke. Oh ये इसका बेटा है. I thought he was Rohit's son. Subscribe. All right, guys, you guys already know Breakfast with Champions. If you don't know, link in the description. Go check them out. Subscribe to their channel. They're great.
They do good content, as you saw. Nothing, no controversial stuff, no kadvi baate, no nothing like that. It's just really nice, family-oriented, fun stuff, fun trivial things that you're curious about your favorite cricketers. And I happen to love both these cricketers. They're both, actually all three of these people, because Gaurav Kapoor is a very brilliant guy, a genuine human being. Bahut acha aadmi hai yaar. Main bata raha hu aapko, I follow him on Twitter, I follow him on Instagram. I've spoken to him a couple of times. He's a very good guy. Rohit Sharma, as we all know, one of the biggest talents in the cricketing world. Champion ladka, champion aadmi. Shikhar Dhawan, one of the most eccentric batsmen in the world, a maverick if you may. The guy plays brilliant cricket, he's a very good batsman. Aamir isko out kar deta hamesha, but besides that, he's a brilliant batsman. So yeah, this was a fun show to watch, man. I miss watching Breakfast with Champions, bro. It was such a good show. I remember maine Shoaib Akhtar wale episode se start kiya tha, Virat Kohli wale episode pe end kar diya tha basically. No, Ashish Nehra wale episode pe. And Ashish Nehra ke episode pe bhi maine band isliye kar diya tha kyunki people are really bahut badtameez ho jate hain yaar log comments mein. I don't know maine kya bola tha ki bhai 4 crore mein to uska baap bhi karega. That wasn't like a dig on Ashish Nehra's dad. I don't know him. I'm not badtameez like that. It's just a figure of speech. To log niche aake mere upar shuru ho gaye, tera baap hi ho. तो ये जहालत जब होती है तो आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दैट. आई नो इंडिया में हर तरह के लोग हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ सारे इस तरह के होते हैं, यू नो अ फिल्टर और अ बैरियर और इवन आई डोंट नो तमीज तहजीब जिसे कहते हैं, वो चीज़ बड़ी मिसिंग होती है अक्सर. सो आई स्टॉप डूइंग इट ऑल टुगेदर. आई वाज लाइक ओके, आई एम नॉट गना, अगर आपको पसंद नहीं आ रही है मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन या मेरे दिल से जो बात निकल रही है तो फिर आई एम नॉट गना टॉक टू यू. इट्स दैट सिंपल. सो या आफ्टर मेनी ईयर्स आई एम डूइंग दिस अगेन एंड अगेन. इफ आई से समथिंग, अगर जैसे मैंने अभी बोला था शिखर धवन ने जब जोक मारा तो मैंने कहा कितना हरामी है यार, मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ यार ये डजंट मीन हरामी मतलब हरामी हरामी का मतलब है ही सो चालाक, ही सो स्मार्ट, ही सो फनी एंड जीनियस विद दिस जोक. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. आई एम नॉट सम किड जो कि किसी को गाली देने के लिए आया यहाँ पे. आई से थिंग्स, देयर इज कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड इट. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, कीप योर माउथ शट. यू डोंट नीड टू यू नो गो बार्क इन द कॉमेंट सेक्शन. सो या आई होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो. लेट मी नो विच अदर वीडियो यू वांट मी टू रिएक्ट नेक्स्ट. इफ देयर इज अ शो और वेब सीरीज और एनीथिंग लाइक दैट, लीव इट इन द कॉमेंट्स बिलो. आई विल सी यू गाइस टुमॉरो विद अनदर वीडियो. टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. शुभ खैर.